सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें क्या करना है, हमें एरर फाइंड करनी है। ठीक है, वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन USA। मैंने आप लोगों को अपना अभी जो कराया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें ये रूल कराया था कि वन ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन कैसा आता है हमारा, प्लूरल आता है, तो वही आया है, ब्रदर्स आया हुआ है। यहाँ पर कैसा नाउन आया है हमारा, प्लूरल नाउन आया हुआ है। लेकिन इसके बाद जो होता है वर्ब भी कैसी आती है, मैंने आपको बताया था कि वर्ब भी आती है सिंगुलर आती है, कैसी आती है, वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो लेकिन यहाँ पर लिव कैसी है, ये प्लूरल दे रखा है तो मुझको एस लगाना पड़ेगा, तो मिस्टेक हमारी किस में है, सेकेंड पार्ट में है, और यहाँ पर क्या होगा, लिव की जगह लिव्स होगा। ठीक है गाइज, यहाँ से आप लोगों का रूल भी एक बार रिवीजन हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर का, आई विल मीट हिम। ये कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। आई विल मीट हिम, जब मैं उससे मिलूँगा, व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा तब मैं उससे मिलूँगा। तो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये दोनों ही फ्यूचर में दे रखे हैं, तो दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकते हैं। एक फ्यूचर में बनेगा, आई विल मीट हिम, जब मैं उससे मिलूँगा, वो आएगा तब मैं उससे, जब उससे मैं मिलूँगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही कम्स। ठीक है, यहाँ से विल हटाएंगे, जब भी वेन वाले पार्ट से प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं एक को, और एक को किस में बनाते हैं, फ्यूचर में। यहाँ पर दोनों फ्यूचर में नहीं बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फ्लब्स। अब ये देखिए, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है, हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है, दिस प्रॉब्लम्स डैश अ लॉट ऑफ थॉट। क्या है ये प्रॉब्लम जो है लेकर आएगी, क्या लेके आएगी, बहुत सारे थॉट्स को। तो कॉल्स फॉर क्या होता है हमारा, किसी चीज़ को लेकर आना। कम्स अक्रॉस होता है, कम्स अक्रॉस होता है किसी से अचानक से मिल जाना, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, अब वो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड हैं या फिर जो बचपन के दोस्त हैं, आप लोग कहीं जा रहे हैं, आपको अचानक से मिल गए, उनको हम क्या, उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, कम अक्रॉस। ठीक है, कॉल ऑन होता है किसी के बुलावे पर जाना, जैसे मैं आप लोगों को फ़ोन करके बुलाऊं कि यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ पर आ जाओ, तो वो आप आ जाएंगे जल्दी से। तो यहाँ क्या होता है, कॉल्स ऑन का भी यूज़ करते हैं, कॉल ऑन फ़ोन उठाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कम्स इनटू। ठीक है, कम्स इनटू क्या होता है, कम्स इनटू होता है हमारा किसी चीज़ पर कब्जा पाना, मतलब जैसे आपको कोई संपत्ति मिली तो आपने उस पर कब्जा पा लिया, यानी किसी पे विजय कर लेना, अपनी पोजीशन को बनाए रखना, कम इनटू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सटीक बैठ रहा है आप लोग देख लीजिए, दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ थॉट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या कह रहा है, आर्टिकल से रिलेटेड है, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। मैंने ये आप लोगों को अपने आर्टिकल के लेक्चर में बताया था कि कोई भी रिवर, रिवर की बात करते हैं या फिर सुपरलेटिव की बात करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाया जाता है, दिस इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो हमारा द लग जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहा है, आई प्रोमिस टू, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यू इन ऑल सरकमस्टेंस, मैं तुम्हारे हर मुसीबत मुसीबत में साथ दूंगा। स्टैंड अप टू क्या होता है, पहले आप इनके एक बार एक मतलब समझ लीजिए, फिर आंसर को ढूंढ लेंगे। स्टैंड अप टू होता है किसी से मुकाबला करना, यानी किसी से कंपटीशन करना। स्टैंड अप टू क्या होता है, मुकाबला करना या फिर कंपटीशन करना। ठीक है, स्टैंड विद होता है किसी के साथ बनाए रखना, यानी किसी के सपोर्ट करना पूरी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ होता है हमारा किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना, जैसे एक ये पॉइंट है, एक दो बंदे हैं, ये बहुत मतलब कुछ ऐसा गलत काम करने लगा है, ये पहले आपका फ्रेंड था, अब ये बहुत सारे गलत काम करने लगा है, तो आप इससे क्या हो गए, दूरी बनाने लगे, यानी आप यहाँ आके खड़े हो गए, इससे दूर रहने लगे, तो स्टैंड ऑफ क्या होता है, किसी से दूरी बनाए रखना। स्टैंड विद होता है किसी के साथ रहना। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई क्या होता है हमारा, स्टैंड बाई होता है किसी की उपस्थिति होना, मतलब कोई वहाँ पर उपस्थित हो, सपोर्ट करता रहे हमें हर परेशानी में। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या मिला, स्टैंड विद मतलब किसी के साथ देना, सपोर्ट करना, स्टैंड विद हमेशा परेशानी वगैरह में साथ रहना, तो हमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, चूज द वन विच वन द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर।
हमें यहाँ पे क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेशन बनाना है यानी सिनोनियम बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं, पहले एक बार मतलब देख लेंगे, फिर हमें सिनोनियम अपने आप ही मिल जाएगा। कस्टमरी क्या होता है? कस्टमरी होते हैं हमारे क्या, रीति रिवाज। क्या होते हैं हमारे? रीति रिवाज। ठीक है, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, मतलब जो हमारे कर्तव्य होते हैं कि हमें सुबह उठ के माँ बाप से नमस्कार करना चाहिए, पैर छूने चाहिए उनके, ये क्या है हमारे रीति रिवाज होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे? ट्रेडिशनल बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अनयूजुअल, जो यूजुअली ना हो, मतलब एकदम अचानक से घट जाए कोई चीज़। अनयूजुअल रेयर होता है किसी चीज़ का बहुत कम होना। एक्सेप्शनल क्या होता है? एक्सेप्शनल होता है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया हो उस तरीके से ना हो, और एक्सेप्शनल तरीके से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें इसमें स्लेन का मतलब निकालना है। स्ले क्या है? स्लेन नहीं होता, ये स्ले होता है। स्ले क्या है? स्ले की ये फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इसमें क्या है? स्लेन लगा हुआ है। तो स्ले क्या होता है? किसी की हत्या करना। क्या होता है? हत्या करना। ठीक है, तो हमें इसका मतलब ढूंढना है। पेंड होता है दर्द। रॉन्ग क्या होता है? गलत करना, गलत। रॉन्ग ये ईडी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉर्म यूज़ की गई है स्लेन। यहाँ पेंड लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी हमें सेकंड फॉर्म दे रखी थी। रॉन्ग, डुप, डुप इम्पोर्टेंट है, आप लोग डुप एक बार देख लीजिए। डुप्ड क्या होता है? ठग। जैसे बाजारों में ठग नहीं होते हैं, वैसे ही ठग होता है डुप्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर किल्ड। यही क्या है आंसर होगा हमारा, इसका क्या मतलब होता है? हत्या करना। ठीक है, वही क्या था? स्लेन। वही क्या था हमारा? स्ले, स्लेन या फिर स्ले। आप स्ले याद रखिए क्योंकि स्ले की ये फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। मतलब हमको क्या बताना है? पी क्यू आर एस करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, पी क्यू आर एस किस तरीके से करना होता है। अब हमें ये सेंटेंस दे रखा है, इफ माई फादर गिव मी आई शेल स्पेंड परमिशन अ फ्यू मंथ्स एब्रॉड। अब आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा। परमिशन से अगर मैं माई फादर परमिशन करे तो ये सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा। इफ माई फादर आई शेल, ये भी सेंटेंस क्या है? ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ये भी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आपको पता लग रहा है कि ये दोनों तो सब्जेक्ट हो नहीं सकते। इफ माई फादर अ फ्यू मंथ, अ फ्यू मंथ कहाँ ये चीज़ें मिलती हैं आपको? लास्ट में मिलती हैं, तो मेरा ये भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता। तो हमें फर्स्ट कौन सा रह जाएगा? गिव मी, गिव्स मी, माई फादर गिव्स मी। तो हमें फर्स्ट क्या मिला? पी मिला। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पी मिल गया, तो हम लोग इसको देखेंगे कि हमें फर्स्ट पी कहाँ कहाँ मिल रहा है। हमें फर्स्ट पी मिल रहा है दो में। हमें फर्स्ट पी कहाँ मिल रहा है? दो में मिल रहा है। एक तो यहाँ बी में मिल रहा है और एक हमें सी में मिल रहा है। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं हम लोग, गिव मी के बाद क्या अप्रोप्रिएट पड़ेगा, तो हम लोग उसको फिर आंसर ही मान लेंगे। इफ माई फादर गिव्स मी, क्या देंगे मेरे फादर मुझको? आई शेल स्पेंड तो हो नहीं सकता, मेरे फादर मुझको क्या देंगे? परमिशन दे रहे होंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड में आर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आर यहाँ देखेंगे, आर किस में है? इस केवल इसी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और हमको आगे की कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन वैसे तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोग क्या करेंगे, आपको दो फाइंड कर लिए, बस आपको दो मिल गए, काम खत्म। उसके बाद अपना आंसर नेक्स्ट पे पहुँच जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक बार हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। गिव मी आई आई शेल परमिशन आई अ फ्यू मंथ्स अब्रॉड। तो माई फादर गिव्स मी, मेरे फादर ने मुझे दिए परमिशन दी कि मैं कुछ दिन आई शेल स्पेंड अ फ्यू मंथ्स अब्रॉड, कुछ दिन में कहाँ गुजारूँ? अब्रॉड में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? 9th क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी पी क्यू आर एस ही पूछा हुआ है। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। इन देयर फीट टू सेंस सिस्मिग्राफ हैव स्पेशियल बोन दैट इनेबल देम लॉन्ग बिफोर वी कैन। अब ये देखिए, दैट इनेबल देम से कोई सेंटेंस हो सकता है? एलिफेंट्स दैट इनेबल देम, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा इन देयर फीट, एलिफेंट्स के फीट में, ये देख लेते हैं एक बार, इसको चेक कर लेंगे। टू सेंस एलिफेंट, टू सेंस सिस्मिग्राफ, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डायरेक्ट ये आगे अच्छा आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या रह गया हमारा? हैव स्पेशियल बोन,
वोन्स। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिला हुआ है, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, वर्ब आनी है, तो हमें वर्ब क्या मिल रही है, मिल रही है, तो ठीक है। एलिफेंट्स हैव स्पेशल वोन, यहाँ पर हमारा कहीं कहीं ठीक जाता है, तो अगर आर हमारा फर्स्ट हो सकता है तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके हिसाब से एलिफेंट्स हैव स्पेशल वोन्स इन देयर फीट, क्या होगा हमारा, इन देयर फीट होगा, क्यों होगा, कहाँ होती हैं एलिफेंट्स की स्पेशल वोन, उनके पैरों में होती हैं, तो हमारा सेकेंड क्या जाएगा, आर पी। आर पी आप जल्दी से देखेंगे इसमें आर पी कहाँ कहाँ मिल रहा है, आर पी हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, यही क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने थे, अब हमें क्या मिला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोग देख लेंगे एक बारी। वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन से यानी स्त्री से नफरत करे, उसको हम क्या बोलते हैं, माइसोगिनिस्ट। माइसो मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना, गाइन जब भी आता है, ये गाइन कब आता है, जब हमारी किसी स्त्री की बात हो रही हो, ये तभी वर्ड को यूज़ किया जाता है, तो माइसोगिनिस्ट स्त्री से घृणा करना। बाकी के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी, जो मानवता से प्यार करता हो। असेंटिक क्या होता है, असेंटिक होता है सन्यासी, ठीक है, असेंटिक क्या होता है, सन्यासी। माइसोगैमिस्ट ये देख लीजिए, माइसोगैमिस्ट होता है जो विवाह से घृणा करे, विवाह से घृणा करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसोगैमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब हम लोग कंफर्म हो जाएं किसी एविडेंस के द्वारा, कोई हमें एविडेंस मिल जाए और हमें हम लोग उससे एकदम पुख्ता हो जाएं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कॉरोबोरेट। कॉरोबोरेट का ऑप्शन हाँ, अगर आपको आता होगा तो आप लोग आसानी से निकल सकते हैं। कॉरोबोरेट होता है पुष्टि करना, क्या होता है, पुष्टि करना, कॉरोबोरेट क्या होता है, पुष्टि करना, तो यहाँ पे भी क्या बात चल रही है, एविडेंस की पुष्टि करने की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मैंने आप लोगों को कल के सेट में भी कराया था, आज फिर से रिपीट है, इम्प्लीकेट क्या होता है, किसी को कैद करना, क्या होता है, इम्प्लीकेट कैद करना। डिसिग्नेट होता है नियुक्ति करना, डिसिग्नेट क्या होता है, नियुक्ति करना। गाइज मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, और वैसे मैं बोलता भी जा रहा हूँ। एक्सट्रिकेट होता है किसी को रिहा करना, ये अपोजिट होते हैं दोनों, इम्प्लीकेट होता है कैद करना और एक्सट्रिकेट होता है रिहा करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्या कह रहा है हमारा, वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर, वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर यानी शोरगुल करना, शोरगुल क्या मिलेगा हमारा, एजिटेशन क्या होता है, एजिटेशन होता है आंदोलन एक तरीके से, एजिटेशन क्या होता है, आंदोलन होता है, या फिर इसको कह सकते हैं आप उत्तेजना, किसी चीज के लिए उत्तेजना होना, इसको क्या बोलते हैं हम, एजिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्रांति को बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। पेंडामोनियम, पेंडामोनियम ही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, नोइजी डिसऑर्डर की बात कर रहा है, पेंडामोनियम होता है शोरगुल मचाना, शोरगुल करना, ठीक है। पेंडामोनियम क्या होता है, शोरगुल करना। स्टिर, स्टिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टिर वर्ड आ जाता है एग्जाम में, स्टिर होता है हमारा जो हिलता डुलता हो, हलचल मचाए रखे, मतलब हिलता रहे, डिस्टर्ब करता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंशियंट, जो हमें संपत्ति मिलती है अपने पापा से या फिर अपने पूर्वजों से, उसको हम क्या बोलते हैं, पैट्रीमोनी बोलते हैं, ठीक है। आप बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, एलिमोनी क्या हो गया, एलिमोनी होती है जब हम अपनी पत्नी मतलब होती है तो उससे अगर हमारी तलाक हो जाए, उसके बाद जो हमें जजमेंट के बाद जो राशि अपनी पत्नी को देनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमोनी बोलते हैं, ठीक है। उसके खर्चे के लिए, उसके काम काजों के लिए, बच्चे की पढ़ाई वगैरह के लिए, और जो हम अपनी पत्नी को राशि को देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमोनी बोलते हैं। वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री होता है बिना पैसे के लिए काम करना, खुशी से काम करना अपने। आर्मिस्टाइस क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्मिस्टाइस होता है युद्ध विराम, क्या होता है, युद्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा,
वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेबिट, मतलब जो अपना उधार ना चुका पाए उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो अपना उधार ना चुका पाए उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट बोलते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बैंक रॉल पता नहीं क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ही बार यूज़ होता है तो आपको सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला। नेक्स्ट है हमारा बोरोवर, बोरोवर क्या होता है, उधार लेना, उधार लेने वाला, उधार लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोवर बोलते हैं। ठीक है, बाकी के अब हम देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। फाइंड करेक्टली स्पेल्ड, हमें इसमें से क्या निकालना है, करेक्टली स्पेल्ड निकालना है। तो हम लोग देख लेंगे इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन को आप तोड़ेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा इमेंसी, ये इमेन इमेन ये आ गया, इमेंसी आएगा, तो हम लोग इमेंसी को ढूंढेंगे। इमेंसी, ये इमेंसी मिल रहा है, लेकिन पेशन इस ये गलत लिखा हुआ है, पेशन में क्या होना चाहिए, टी आई ओ एन होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसी को देख लेंगे इमेंसी पेशन। ये हमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट मिल गया। इमेंसी पेशन होता है किसी चीज़ को मुक्त करना, क्या करना, मुक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16। 16 क्या कह रहा है, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल आपको इर दो बार आ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि डबल आर आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमारा डबल आर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इररिवर्सिबल, इर ई आ रहा है, ई का साउंड आता है, इररिवर्सिबल, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इररिवर्सिबल क्या होता है, आप रिवर्सिबल जानते होंगे तो फिर इररिवर्सिबल भी आप लोगों को आज याद हो जाएगा। रिवर्सिबल क्या होता है, जिसको हम बदल सकें, रिवर्स कर सकें, और इररिवर्सिबल हो जिसको हम बदल ना सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17। 17 में हमें क्या दे रखा है, डेलिमा, डेलिमा की हमें करेक्ट स्पेलिंग बता रही हैं, तो डेलिमा की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी हमारी, डेलिमा, यही हमारी ए ऑप्शन की करेक्ट स्पेलिंग होगी। एक बार मैं चेक कर लूँ गाइस, मुझे कंफर्म नहीं है डेलिमा। ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका क्या मतलब होता है, किसी दुविधा में पड़ना, क्या होता है, किसी दुविधा में पड़ना या फिर कहीं पर फंस जाना, पजल्ड हो जाना। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन कैसा जाएगा, करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, एवंडेंट, अबंडेंट, 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 ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अबंडेंट क्या होता है, बहुत आयात किसी चीज़ के लिए। 19 में क्या कह रहा है, असेन, असेन होता है हत्यारा, असेन क्या होता है हमारा, अस्यारा, हत्यारा, तो असेन की स्पेलिंग देख लेते हैं आप, असेन, तो असेन में क्या आएगा, असेन में हमारी जाएगी वी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्या जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अशेन, अशेन होता है हमारा हत्यारा, किसी चीज की हत्यारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20। डिसीज, डिसीज तो आप सभी को आती होगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डिसीज क्या होता है, रोग, जो हमारे रोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिसीज बोलते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन मैंने आप लोगों को काफ़ी मीनिंग्स वगैरह भी अच्छे से कराए हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देखेंगे, उसके बाद आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सारे ही याद हो जाएंगे। आप लोग जब टेलीग्राम ग्रुप से PDF को डाउनलोड कर लें, उसके बाद क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर कल मिलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।